कौन कौन से वो दिग्गज नेता हैं जिनकी प्रतिष्ठा दांव पर लगी हुई है, ग्राफिक्स के जरिए आपको समझाते हैं। तो अखिलेश यादव जो कि आजमगढ़ से इस बार चुनाव लड़ रहे हैं, दिनेश लाल निरहुआ जो कि आजमगढ़ से चुनाव लड़ रहे हैं और दोनों के बीच कड़ा मुकाबला है। मेनका गांधी की अगर बात करें तो सुल्तानपुर सीट से किस्मत आजमा रही है। वरुण गांधी पीलीभीत सीट से इस बार चुनाव लड़ रहे हैं। दिग्विजय सिंह, इनकी प्रतिष्ठा भी दांव पर लगी हुई है। भोपाल सीट जो है हॉट सीट मानी जा रही है। प्रज्ञा सिंह ठाकुर भोपाल से ही कैंडिडेट हैं बीजेपी की। ज्योतिरादित्य सिंधिया एमपी के गुना से चुनाव लड़ रहे हैं। नरेंद्र सिंह तोमर ये मुरैना से इस बार अपना भाग्य आजमा रहे हैं। शीला दीक्षित उत्तर पूर्वी दिल्ली से कैंडिडेट हैं। मनोज तिवारी उत्तर पूर्वी दिल्ली से, यानी कि टफ फाइट इस सीट पर भी देखी जा रही है, दोनों के बीच कड़ा मुकाबला। विजेंद्र सिंह दक्षिण दिल्ली से इस बार भाग्य आजमा रहे हैं। हर्षवर्धन चांदनी चौक से उम्मीदवार हैं। गौतम गंभीर पूर्वी दिल्ली से प्रत्याशी हैं। भूपेंद्र सिंह हुड्डा सोनीपत से चुनाव लड़ रहे हैं। तो छठे चरण की तमाम दिग्गज जिनकी किस्मत आज ईवीएम में कैद हो जाएगी, दीपेंद्र सिंह हुड्डा ये भी चुनावी मैदान में हैं। भव्य विश्नोई हिसार से चुनाव लड़ रहे हैं। दुष्यंत चौटाला हिसार से इस बार मैदान में हैं। कुमारी शैलजा अंबाला से चुनाव लड़ रही हैं। इसके अलावा कुछ और नामों की अगर बात करें तो अशोक तंवर जो कि सिरसा सीट से इस बार अपना भाग्य आजमा रहे हैं। कीर्ति आजाद धनबाद से चुनाव लड़ रहे हैं। राधा मोहन सिंह पूर्वी चंपारण से इस बार चुनावी मैदान में हैं। तो ये वो तमाम सीटें हैं जिन पर कड़ा मुकाबला देखा जा रहा है और ये वो तमाम बड़े चेहरे, तमाम बड़े नेता जिनकी किस्मत का फैसला आज ईवीएम में कैद हो जाएगा। इनमें से कई ऐसे हैं जिनकी सीट बदली गई है, लेकिन इन्हें पूरा भरोसा है कि इस बार जनता एक बार फिर से इनके साथ जाएगी। लेकिन इस फेज को भी बीजेपी के लिए कड़ी चुनौती माना जा रहा है, क्योंकि इनमें से कई सीटें पिछली बार भी, खासतौर पर अगर हम यूपी की बात करें तो यूपी की बहुत सारी सीटें इस फेज में भी बीजेपी के ही खाते में गई थी, क्योंकि बहुत अच्छी परफॉर्मेंस रही थी। 73 सीटों पर जीत दर्ज की थी पिछली बार के लोकसभा चुनाव में, यानी कि 2014 में बीजेपी ने। लेकिन कई सीटें ऐसी हैं जहां पर त्रिकोणीय मुकाबला भी देखा जा रहा है, क्योंकि टफ फाइट नजर आ रही है। एसपी और बीएसपी दोनों ही मिलकर साथ चुनाव लड़ रही हैं इस बार, लेकिन मतदाताओं में उत्साह नजर आ रहा है, जोश और उमंग नजर आ रहा है। और इसी वजह से सुबह से ही लोग अपने कामकाज को छोड़कर सबसे पहले मतदान करने के लिए पहुंचे हुए हैं। तो आज के इस फेज में कई सियासी सूरमा ऐसे हैं जिनकी प्रतिष्ठा दांव पर लगी हुई है। सोनीपत से पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा का भविष्य आज तय हो जाएगा। आजमगढ़ सीट पर पूर्व सीएम अखिलेश यादव का दिखेगा दम। मुरैना से नरेंद्र सिंह तोमर और गुना से सिंधिया की साख दांव पर है। छठे चरण में 7 राज्यों की 59 सीटों पर आज मतदान हो रहा है। तो 5 फेजेस कंप्लीट हो चुके हैं और आज छठे चरण के लिए वोटिंग हो रही है और बड़ी संख्या में जो युवा मतदाता हैं वो मतदान केंद्रों पर पहुंच रहे हैं। दीदी आज के दिन का इंतजार कितना था? आज एक मिनट भैया रुको, एक मिनट यार निकल जाओ। तो साध्वी प्रज्ञा ठाकुर को आप देख रहे थे जो कि भोपाल सीट से कैंडिडेट हैं बीजेपी की, और इनका मुकाबला भोपाल सीट से ही कांग्रेस के प्रत्याशी दिग्विजय सिंह से है। तो झारखंड की 4 सीटों पर आज वोटिंग हो रही है। इसके अलावा कुछ और राज्यों की अगर हम बात करें तो हरियाणा की 10 सीटों पर वोटिंग जारी है। दिल्ली की सीटें भी इस बार चर्चाओं का विषय ज्यादा बनी हुई है। 7 सीटों पर वोटिंग हो रही है, वहां पर भी टफ फाइट नजर आ रही है। तो 4 पूर्व सीएम है जिनकी साख दांव पर लगी हुई है इस फेज में, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी वोटिंग के लिए
ट्वीट किया है और लोगों से कहा है कि ज्यादा से ज्यादा पहुंचे मतदान केंद्रों पर वोट करने के लिए। तो 23 तारीख को नतीजे सामने आएंगे, लेकिन उससे पहले ये फेज भी काफी अहम माना जा रहा है, क्योंकि आपको याद होगा कि अलग अलग मुद्दों को लेकर इस फेज में भी चुनाव प्रचार किया गया था और अब एक आखिरी फेज बाकी है। 19 तारीख को वहां मतदान होगा, लेकिन उससे पहले ये तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं कि भगवान के दर पर मत्था टेकने के लिए पहुंची हैं साध्वी प्रज्ञा ठाकुर। उन्होंने भगवान का आशीर्वाद लिया है। इस बार इनका नाम भी काफी चर्चाओं में रहा और भोपाल सीट जो है वो हॉट सीट मानी जा रही है, क्योंकि वहां पर भी कड़ा मुकाबला देखा जा रहा है दोनों ही प्रत्याशियों के बीच। तो बिहार, पश्चिम बंगाल की 8-8, झारखंड की 4 सीटों पर वोटिंग, 59 सीटों पर आज मतदान हो रहा है, जिनमें यूपी की 14, दिल्ली की 7, हरियाणा की 10, एमपी की 8। और ये देखिए, कई आदर्श पोलिंग बूथ भी बनाए गए हैं जहां मतदाताओं को ध्यान में रखते हुए तमाम तरीके की व्यवस्थाएं की गई हैं, पानी की व्यवस्था की गई है, क्योंकि गर्मी का मौसम है और ऐसे में मतदाताओं को वहां किसी भी तरीके की दिक्कत ना हो, इसके लिए ध्यान रखा गया है हर चीज का। चाहे महिला हो, चाहे पुरुष हो, या फिर बुजुर्ग हो, युवा हो, हर कोई लोकतंत्र के इस महापर्व में बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहा है। आगे बढ़ते हैं।